हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। अब तक काफी सारे वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, एक सिस्टम स्टार्ट किया है केमिस्ट्री क्लास 12th फॉर द CBSE, और हम सभी चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने दो वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी सेम रेस्पॉन्स दीजिए। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी आपको बेनिफिट शेयर करेंगी। ठीक है, मैं लास्ट की दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से उन वीडियोस को देख पाए और एक पूरा सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज का, ठीक है। आप लोग जितना ज्यादा वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे उतनी ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी वीडियोस को और अच्छा करके बनाने की। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि अब तक जो हम लोग हैं वो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन जो है इट इज ऑन द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, पहले वाला जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहते हैं उसमें हमने हेनरी लॉ को एक्सप्लेन किया था। आज जो हम 2 3 क्वेश्चन करेंगे वो हमारे राउल्ट्स लॉ पर डिपेंड करते हैं। तो थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको थ्योरी की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में डालेगा, मैं थ्योरी का भी जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, देयर आर द टू लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, जिनके वेपर प्रेशर जो है दीज आर 450 मिलीमीटर एंड 700 मिलीमीटर ऑफ एच जी रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर प्रेशर। हमें लिक्विड में मिक्सचर की कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है और हमें वेपर स्टेज में भी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास है क्या, दैट वी हैव द टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर ए एंड सॉल्यूशन नंबर बी। ठीक है, हमें क्या इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसको मिक्सचर हम कह रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 358 350 केल्विन टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है इसका, सॉल्यूशन ए का वो है 450 mmHg, और वेपर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर बी का, ठीक है, वो है 700 mmHg। ठीक है, और टोटल मिक्सचर का जो प्रेशर है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर टोटल मिक्सचर का, इट इज 600 mm। ठीक है ना, इट इज 600 mm। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर जो है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी, इसके बराबर होता है। अब हम यहाँ पर ये प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे पी ए निकालने के लिए। जो हमारे पास पी ए होता है वो हम लोग करेंगे वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमें पी ए का प्रेशर निकालना है तो वेपर प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन से, ए के जो मोल फ्रैक्शन है उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा
पी नॉट ए, ठीक है, मोल फ्रिक्शन ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रिक्शन बी, ठीक है, ये हम यहाँ से प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो है 600, ये में दिया हुआ है, ठीक है, और जब हम यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है हमारे पास 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस पी बी कितना है 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अगर हम ये कहें यहाँ से कि जो टोटल जो कंपोजिशन है वो 1 कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में टोटल कितने करते हैं, 1 कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करें तो क्या करते हैं, 1 में से, ठीक है ना, किसके मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे, मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे सोलो कंपाउंड ए के, तो हम एक्स बी की जगह ये वाला यूनिट फिल करें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 450, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए प्लस 700 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि अब सारी यूनिट एक ही फॉर्म में आ जाएंगे, तो यहाँ से हम एक्स यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ए है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये आया यहाँ पर 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब 700 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 700 माइनस 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले स्टेप को मैं एक साथ लेकर के आता हूँ, 450 मोल फ्रैक्शन ए माइनस 700 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दोनों सेम फैक्टर है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ए जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 450 माइनस 700 और प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया 700, और ऑलरेडी यहाँ पर सभी पर 600 जो हम लोग कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा यहाँ पर जब माइनस में 250, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए प्लस 700, ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमने क्या किया, इस 700 को मैं, क्योंकि यहाँ पर 600 है, इस 700 को ट्रांसफर करके मैं इस साइड में ले जाऊंगा, तो ये होगा 600 माइनस 700 इज इक्वल्स टू माइनस 250 मोल फ्रैक्शन ए, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस के 100 बचा और यहाँ हुआ माइनस के 250 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं कैलकुलेट करूंगा तो 100 अपॉन 250, तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 0.4, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना, जो सब्सटेंस ए है यानी कि जो सॉल्यूशन ए था उसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मैंने एक आपको रिलेशन दिया था 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया है 0.4, तो जब माइनस करोगे तो कितना जाएगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया दोनों के, ए के और बी के। तो इस तरह से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, लिक्विड कंडीशन में कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, कंपोजिशन क्या है, अगर लिक्विड फेज में है तो 0.4 मोल फ्रिक्शन किसका है, ए का है, और 0.6 मोल फ्रिक्शन किसका है, वो बी का है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे वेपर फेज में जाना है, कहाँ जाना है, वेपर फेज में जाना है, तो वेपर फेज में जाने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो मैंने आपको दिया था, ये वाला, ये रिलेशन आपको पता है, ये वाला, ये रिलेशन आपको पता है, ये, ठीक है, तो पी ए कितना है 450, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरे पास आएगा नियर अबाउट 180 mm, कितना आएगा 180 mm। इसी तरह से पीबी जो है वो है 700 × 0.6, तो कितना आया यहाँ पर, ये हमारे पास 420 mm मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कंडीशन। मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब मैं ये करूंगा कि मोल फ्रिक्शन, क्योंकि कंपोजिशन हम मोल फ्रिक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी मैंने ऊपर आपको लिक्विड में मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करके बताया, अब मैं किस में कर रहा हूँ, वेपर फेज में। तो क्या है यहाँ पे, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए कितना है, पी ए जो मैंने कैलकुलेट किया था वो है 180 अपॉन, नीचे हो जाएगा 180 + 420, तो कितना हो गया 180/600। तो जब डिवाइड करके मैं लाऊंगा यहाँ पर, तो डिवाइड करके मेरे पास आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है ना, 0.30, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में। अब सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। ये आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन लिक्विड, अगर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ द मोल्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पी बी हमारे पास कितना है, 108, पी बी कितना था हमारे पास, पी बी था हमारे पास 420, 420 अपॉन टोटल कितना आया था 600, तो मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 0.7, कितना आएगा 0.7। तो 0.30 तो है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ए का, और 0.70 क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, बी का, ठीक है। तो यहाँ तक ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान कीजिए। देखो क्वेश्चन आपको अपने आप करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जा करके प्रैक्टिस करना, आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं हो नहीं आती है वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, ये फायदा है, ठीक है, कि अगर हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है ना, हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो हम बार बार उसको देख सकते हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊं, जिससे आप लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कैलकुलेट करने में बड़े वीक होते हैं, जो स्मार्ट है वो तो खैर अपने आप कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे अपने आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उनके लिए है जिनके पास कैलकुलेशन पावर कम है, ठीक है ना। इफ यू हैव वेरी लो कैलकुलेशन पावर तो यू कैन सी दिस वेरी इजीली। अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इट इज डिपेंड ऑन द राउल्ट्स लॉ, ठीक है, क्या कहता है, दैट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 298 K इज 23.mmHg। वेपर प्रेशर, पानी का वेपर प्रेशर जो है 219 केल्विन पर 23.8 mmHg है, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, हमने 850 ग्राम वाटर में 50 ग्राम यूरिया यूज कर लिया है, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, पहले वेपर प्रेशर कितना था, बाद में वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन में कितना है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये, ठीक है। अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन करने के बाद वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो उस समय कितना था, कम हुआ ज्यादा हुआ,
ठीक है, वो देखना है। और अगर कम हुआ तो कितना कम हुआ, ये तो कह रहा है ना, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, तो क्या निकालना है हमें, हाउ मच रिडक्शन, हाउ मच लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड इन सोल्यूशन अकर्स। दो चीजें हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, हमें दिया हुआ है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 23.8 mm दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कहा, सोल्यूशन में और सोल्यूट में, सोलवेंट क्या है, वाटर है, और सोल्यूट क्या है, यूरिया है। तो हमें यहां से कुछ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, वेट ऑफ वाटर, वाटर इज द सोलवेंट, वाटर क्या है, वाटर सोलवेंट है, और इसका जो वेट है हमारे पास वो है 850, और इसको हम लिखेंगे W1। क्या लिखेंगे, W1, ठीक है। यहाँ पर वाटर का जो मोलर मास है, वाटर का जो मोलर मास होता है वो आता है आपको 18 ग्राम पर मोल, क्या आता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ से वाटर के मोल्स निकालूंगा, मोल्स ऑफ वाटर, तो आपको पता है W/m, W क्या है, मास, m क्या है, मोलर मास। तो जब 850/18, तो कितना आ गया, जब डिवाइड करो उसे, डिवाइड करना आपको पड़ेगा 47.22, ये आया नंबर ऑफ द मोल इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ द यूरिया। देखो ये बहुत जरूरी होता है, आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो देखना आपको बहुत जरूरी है। वेट ऑफ यूरिया, ठीक है बेटा, तो यूरिया का वेट है 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा W2 जो हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक है। मोलर मास जो है यूरिया का वो होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 60 मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल सेम लगाऊंगा, W/m, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 50, मोलर मास कितना है 60, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल होता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.83, ये हो गए मोल्स ऑफ दी, ठीक है, जिसके मोल्स ऑफ दी यूरिया। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, दो चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और मुझे निकालना है लोवरिंग द प्रेशर, लोवरिंग द प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर में, ठीक है ना, ऑफ वाटर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है P0 - PS/P0, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, आप मुझे राउल्ट्स लॉ को यूज करना है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है P0 - PS/P0 इज इक्वल्स टू N2/N1 + N2, ये फॉर्मूला है, या आप राउल्ट लॉ में पढ़े, या क्या ये नंबर ऑफ द मोल्स रिलेटेड है, N2 क्या है, N2 जो है वो है यूरिया के मोल्स, N1 क्या है वो है वाटर के मोल्स, ठीक है। तो जब आप इसमें रखोगे यहाँ पर, तो N2 कितना है, N2 है 0.83, N1 आपने कितना निकाला है, N1 आपने निकाला है 47.22 + N2 है 0.83, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ना, ये क्या निकालना है, ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल लो मैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.83, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 48.05, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आएगा 0.017, ये लोअरिंग द प्रेशर का पॉइंट आ गया, कि इतना है लोअरिंग द प्रेशर, ठीक है। अब मुझे पीएस निकालना है, ये तो लोअरिंग द प्रेशर निकल गया, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज लोअरिंग द प्रेशर, वेपर प्रेशर के अंदर कितनी कमी है, वो 0.017 की कमी है, ठीक है।
अब इसको हम क्या करें, मुझे पीएस भी कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द पीएस। तो पी नोट कितना है, पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो कितना है 23.8 माइनस पीएस अपॉन 23.8 पी नोट, और ये किसके बराबर होगा, ये हो गया 0.017 के बराबर। 23.8 माइनस पीएस, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0.017 मल्टीप्लाई 23.8। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये जो है 0.017 पीएस, पीएस पीएस पीएस, सॉरी 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 सॉरी, ये पी नोट नहीं है, ये पीएस है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर मैं जो है तो देखना, आप यहाँ पर देखो बेटा, ये पीएस है। ठीक है, तो यहाँ ये पीएस जो है इधर जाकर के ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 23.8 माइनस पीएस 0.017 पीएस, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा। अब इस पीएस को ट्रांसफर करके हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.017 पीएस प्लस पीएस, क्योंकि माइनस खाता इधर आ गया प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.017 पीएस। ठीक है, अब पीएस निकालना है, तो पीएस कितना हो जाएगा 23.8 अपॉन 1.017। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का पॉइंट हटाओ, नीचे 10 कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया 23800 अपॉन 1017। अभी आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 23.4 mm, और ये कितना आया था, ये था 0.017 mm। ठीक है, अब इसको आप देखो, एक देखो बेटा, यहां पर इसको करेक्ट कर लो, ये पी एस है, पी नॉट नहीं है। ठीक है, पी एस है, पी नोट नहीं है, इसको यहाँ पे आप करेक्ट कर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा करके देख लेना, कमेंट में डालना, आई विल सॉल्व इट अगेन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, प्रेशर दिया हुआ है, इज 99.63, कितना दिया हुआ, 99.63। हाउ मच, 99.63, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू द 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, लेट मी चेक, यहाँ पर जो ये प्रेशर दिया हुआ है 99.63, 99.63, ओके, 99.63, ठीक, एक मिनट, एक मिनट, अभी जरा मैं क्वेश्चन को चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है ना ये वाला पॉइंट में कुछ दिक्कत हो गई, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके, ये जो है ये 99.63 नहीं, ठीक है, ये क्या है, ये 96.63 है, तो इसको सही कर लेना, 96.63 है।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। ये कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 700 mm Hg इज 96.63 डिग्री सेल्सियस। 750 mm Hg पर प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 96.63 होता है। आपको पता है कि प्रेशर अलग अलग होने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। कितना शुगर ऐड करें 500 ग्राम वाटर में, कितना शुगर ऐड करें, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है सुक्रोज का मास, सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाए, उबल जाए। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिवेशन, एलिवेशन ठीक है ना, डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना है, डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना है। तो वो कितना, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, क्या है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी क्या होता है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ऑफ द सॉल्यूशन। तो 100 में से 96.63 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 3.37 डिग्री सेल्सियस। ये एलिवेशन इतना बढ़ना है, इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 500 ml वाटर में कितना शुगर देना पड़ेगा, हमें ये चीज पूछा ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ वाटर, वो आपको दिया हुआ है 500 ग्राम। और यहीं पर आप लोगों को पता है व्हाट इज द मोलर मास ठीक है ऑफ H2O, वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 18 ग्राम पर मोल ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे M1 की फॉर्मूले ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सुक्रोज, मोलर मास ऑफ दी सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, डाइसेकेराइड है। तो इसका जो मोलर मास आएगा वो जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा M2। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करना है, कितना सुक्रोज का मास उसके अंदर डिजोल्व होगा, मतलब करना है W2 आपको कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला ये है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और डेल्टा टी बी जो है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ पे आ जाता है KB into M, क्या हो जाता है, KB into M ठीक है। KB क्या है, यहाँ पर KB है कांस्टेंट, KB क्या है कांस्टेंट ठीक है। अब यहाँ पर जो M की मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो M की कैलकुलेशन क्या होती है, M की कैलकुलेशन होती है कि नंबर ऑफ द मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना होता है इन किलोग्राम। तो जब हमें क्या दबा, आप सोल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे, सोल्यूट के मोल निकालेंगे W1 अपॉन क्या करेंगे W2, क्योंकि सोल्यूट का हमने W2 माना है, अपॉन M2, मास ऑफ दी सुक्रोज अपॉन मोलर मास ऑफ दी सुक्रोज, इसका मतलब ये है। और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन जाएगा W1, मास ऑफ दी सोलवेंट इन केजी को लाने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सही से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 तो ऊपर आ जाएगा, 1000 × W2 अपॉन M2 × W1। तो ये वाला रिलेशन जो है वो हम यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास KB × 1000 × W2 अपॉन M2 × W1। बड़ा ध्यान से समझना है ठीक है ना, बड़ा ध्यान से समझना, मैंने एक चीज को आपको ओपन करके बताया है ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जब मैं निकालूंगा यहाँ से, अब मुझे टी बी निकालना है, ये टी बी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई M2 × W1। ये जो नीचे वाला केस है ठीक है, ये चला गया ऊपर, यहां पर जाकर इसने मल्टीप्लाई कर लिया टी बी के साथ, इसके साथ में, और ये हो जाएगा 1000 × KB × W2 ठीक है।
अब मुझे यहाँ से क्या कैलकुलेट करना था, डब्ल्यू टू कैलकुलेट करना था, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई एम टू मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन अपोन क्या हो जाएगा, अपोन हो जाएगा के बी मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब जो यहाँ पर के बी है वाटर के लिए वो कितना होता है, वो होता है 0.52। ठीक है ना, ये के बी दिया हुआ, कॉन्स्टेंट दिया हुआ होता है। टीबी आप लोगों ने निकाल लिया, तो टीबी कितना था, टीबी यहाँ से निकाला था हमने 3.37, 3.37। ठीक है, मल्टीप्लाई 500 मास ऑफ दी सोलवेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई एम टू, ये हमारे पास आया था 342 सुक्रोज का मोलर मास, अपॉन 1000 जो फॉर्मूले में है, और यहाँ पर केबी की वैल्यू होगी 0.52। सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा 1108.2 ग्राम। इसको केजी में कैलकुलेट करोगे तो 1.11 केजी। इतना शुगर आपको 500 ग्राम पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना। वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। उस पर डाल के